सवाल करवाए। कुछ बच्चे स्टार्टिंग में बोल रहे थे ये सवाल ये सवाल ये सवाल हो जाए हो जाए हो जाए। 19.16, क्या मैंने स्लाइड लगा रखा है? देख लेते हैं। 18, 17, क्या आप इस सवाल के बारे में कह रहे हैं? तो मैं इस सवाल पे आऊं आगे, बताइए क्या आप इस सवाल की बात कर रहे हैं जिन्होंने ये लिखा? निधि का कहना है हाँ। एक और निक्की, क्या नाम था उसका, पिंकी, पिंकी चेक कर लो क्या यही सवाल है। यस सर, चलिए फिर कर लेते हैं, कोई बात नहीं, डाउट है तो सवाल को पहले पढ़ लेते हैं फिर कर लेंगे। बड़ा छोटा सा सवाल, दो प्रोसेस अकाउंट है, मैं फॉर्मेटिंग भी कर लेता हूं, पहले पढ़ लेते हैं। रविंद्रा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोडक्ट पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट प्रोसेस अंडर ए और 5% यूनिट एंटरिंग द प्रोसेस बी, 10% यूनिट एंटरिंग द प्रोसेस द स्क्रैप वैल्यू। तो कहता है कि सर इट इज नो द पास्ट एक्सपीरियंस वेस्टेज होगा, प्रोसेस ए में 5 और इसमें 10, जो कि पुरानी बातें चल रही है। ए का 16 रुपए और बी का 100 रुपए के हिसाब से बेच है? कहता है ए का बेचेंगे 16 रुपए पर 100, कमाल की बात यहां कर दी, मतलब हम जो है ए का 16 रुपए पर यूनिट नहीं लेंगे, 100 यूनिट के 16 रुपए लेंगे, कोई बात नहीं चलिए देख लेंगे, और बी का 20 रुपए बेचेंगे 100 यूनिट का, देख लेंगे। सर यही बच्चों को कंफ्यूजन आया होगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं यही बच्चों का कंफ्यूजन भी रहा होगा। सर मटेरियल वटीरियल दे रखा है, कंज्यूम वेजेस वेजेस दे रखा है, ये सब दे रखा है। कहता है 5000 यूनिट ए के अंदर डाला मैंने, जिसकी कीमत 5000 रुपये वाला, 1 रुपये वाला 5000 डाल दिया मैंने, कोई बात नहीं। द आउटपुट प्रोसेस ए का 4700 रहा सर और बी का 4150 रहा। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट शोइंग द कॉस्ट पर यूनिट, आपको आउटपुट का भी बताना है, कोई बात नहीं। चलिए सर फटाफट जल्दी जल्दी सवाल कर लेते हैं, ये भी दो प्रोसेस बनेंगे छोटे छोटे से। अरे कई बार मैं सोचता हूं कि मैं नॉर्मल बोर्ड पे आपकी क्लास ले लूं, फिर लगता है कि बच्चों के पास क्वेश्चन नहीं होगा, इसलिए मुझे यहां लेना पड़ता है मजबूरी में, नहीं तो मैं नॉर्मल बोर्ड पे भी मैंने लगाया है कैमरा 12th वाले बच्चों के लिए, तो वहां भी ले सकते हैं। चलिए बस स्मार्ट बोर्ड पे थोड़ा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन इसके ना ड्रॉबैक्स भी हैं, हर चीज के अपने फायदे और नुकसान है। इसके ड्रॉबैक क्या है, बच्चे ना नोट नहीं करते और बाद का कई बार बाद रह जाता है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे लगता है। और पर पॉजिटिव क्या है कि सर इसके अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट करा पाता हूँ, बस ये फायदा है। चलिए इसका भी कोई इंतजाम करेंगे कि मैं आपको पहले बोलूं भैया नोट करो और डन डन लिखो तब आगे बढ़ेंगे, करने वाले हैं। रुकिए सर, प्रोसेस ए के अंदर 5000 यूनिट लगाया टू इनपुट, कितने 5000, कितने रुपए का 5000 का, मटेरियल 6000, वेजेस 7000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस सर 2000। कहता है प्रोसेस ए के अंदर जो नुकसान होगा वो होगा हमारा 5%, तो बाय नॉर्मल लॉस 5% कितना होता है, 250। अब मुद्दे की बात देखो, सवाल में कहता है कि भैया जो हमारा प्रोसेस ए है ना, प्रोसेस ए के अंदर हम ना बेचेंगे कितने का, कितने का 10 रुपए, 16 रुपए का,
₹16 में बेच देंगे, लेकिन हम 100 यूनिट जैसे होगा हम 16 में बेच देंगे। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, अगर मैं 100 यूनिट ₹16 में बेचूंगा तो एक यूनिट कितने का बेचूंगा? तो अंदाजा लग गया मुझे सर, ऐसे लिखा लेंगे, पर यूनिट होगा ₹16 में बेचेंगे 100 यूनिट, तो एक यूनिट आ जाएगा डिवाइड करने से, यानी 0.16, यही आएगा ना। अब आपको पता चल गया एक यूनिट इतने का बिकेगा, तो बहुत सिंपल सी बात है, 0.16 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया, 40 का बिक गया। यही दिक्कत आई होगी बच्चों को, मैं जानता हूं, इस क्वेश्चन को देख के मैं समझ गया। और इसके बाद यहां का आउटपुट की बात कर लेते हैं, बाय कितना आउटपुट कहता है सर, आउटपुट 4700। तो मुद्दे की बात देखिए, होना चाहिए था यहां पे 4750, लेकिन 4700 ही आउटपुट हुआ, जो कि हमारा जाएगा कहां, प्रोसेस बी के अंदर। इसका मतलब यहां एबनॉर्मल लॉस भी निकल के आया 50। सर इसका तो रेट निकलेगा सर, ऐसे बात नहीं बनेगी, रेट निकालो फटाफट से, फुर्ती में रेट निकालिए। 5000, 5 और 6 11 और 7, 11 7 18 और 2 20, सर 20000, 20000 माइनस में 40 डिवाइडेड बाय कितने, 500 माइनस में 5000, हाँ रेट क्या आया, 4.2। इसको ना पूरा एक ना बॉक्स में बना देते हैं ताकि क्लियरिटी नजर आए कि ये प्रोसेस ए है ये, ठीक है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4.2 से, तो कितने हो गए, 210, बताइए कितना आ रहा है। दो सौ दस बाकी बैलेंसिंग फिगर माइनस 250, 19750, 2 प्रोसेस ए 19750 इसका, अरे 4700, 19750। अब मटेरियल लगेगा, टू मटेरियल, सर मटेरियल कितना लगेगा बताइए, 3000, टू लेबर, सर आपने बोला 4000, और टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सर 2000। नॉर्मल लॉस सवाल कहता है यहाँ पे जो होगा वो 10% होगा बढ़ के, तो 470। कायदे से देखा जाए ये बिकेगा कितने का, तो प्रोसेस टू की बात करते हैं। यहाँ पे कहता है भैया हम जो बेचेंगे प्रोसेस बी के अंदर वो यूनिट बेचेंगे ₹20 में बेचेंगे 100 यूनिट, मतलब सर 0.2 के हिसाब से, तो सर सेल जो निकलेगा हमारा 470 इंटू में 0.2, मतलब सर इंटू में 0.2 जो कि आता है 470.2, 94। अब और हिसाब लगा ले सर, हमारे 4700 यूनिट यहां पे लगे, 470 का नुकसान, 4700 इंटू 10%, 4230 बन जाए तो मजा आ जाए। सवाल कहता है नहीं जी नहीं, 4150 ही बनाया है, तो एबनॉर्मल लॉस माइनस में माइनस में माइनस में एबनॉर्मल लॉस कितने बना, 4150, सर 80। सर इसका भी रेट निकाल दो, ये लो इसका रेट मैं लिख देता हूँ ना, मैं लिख देता हूँ 4700, 19750, 3000, 4000, 2000, 28750, 4700, 28750 कितना आ रहा है रेट। अब बच्चों ने बताया ये आ गया, मैं रेट कैसे निकालता हूं बार बार मैं बताता हूं, 28750 माइनस में 94 डिवाइडेड बाय 4700,
माइनस 470 रेट आ गया 6.77 रेट आया। तो 6.77 मल्टीप्लाई 80 ये 541 और 2 बाय साइड में आ जाएगा FG फिनिश गुड्स। अब इसने एक सवाल और बोला था पर यूनिट रेट, मैं यही निकाल दूंगा, यही है पर यूनिट जो रेट निकाला ना यही है, यही पर यूनिट रेट है, बाकी आप इसके सामने लिख सकते हो ऐसे इस तरीके से। तो अब आ जाएगा हमारा 28,750 माइनस में 94 माइनस 541, तो ये आ गया 28,115 कितने 4150। तो लो जी ये सवाल भी हो गया हमारा डन। तो बच्चे का जो डाउट रहा होगा ना नॉर्मल लॉस का रेट निकालने में आता है इसमें डाउट। सर बुक 10 ईयर, 10 ईयर आपको लेना ही पड़ेगा, क्यों जरूरी है पास ईयर के, जब तक क्वेश्चन नहीं देखोगे तो आपको टेंटेटिव आइडिया नहीं लगेगा। अट्ठाईस 115 हर्ष ने जवाब दे दिया। बताइए किसी को कोई डाउट इस सवाल में, बताएं फटाफट किसी का डाउट, क्लियर है आपको ये? मैं सोच रहा हूँ वो नए एनईपी के लिए बनाऊं अभी, फिर अभी बना के फिर वो स्क्रैप ही हो जाएगा, मैं अलग से दे दूंगा, मैं बता दूंगा ये क्वेश्चन मैं डालने वाला था जो कि देखते हैं अभी रुको। मार्केट में आ गई क्या? हाँ मार्केट में आप अवेलेबल है ले लीजिए, नए वाले 10 ईयर का अभी नहीं होगा, पुराने वाला जो है, बाकी जो मैं क्वेश्चन सिलेक्शन करवा रहा हूँ मैं तो बैकएंड से बनवाई रहा हूँ, उसका पीडीएफ मैं शो करके और आप सभी को शो कर दूंगा। ऐसा मत बोलना कि सर हम 10 ईयर नहीं लेते, आप पीडीएफ दे रहे हो, पीडीएफ पता नहीं कब आएगा मेरे पास, बनने में टाइपिंग होने में टाइम लगेगा। तो आप मार्केट से अपने अपने 10 ईयर खरीद लीजिए, आपके वो सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन वगैरह सब मिल जाएंगे वो। चलिए सर अब अगले सवाल पे हम जा नहीं सकते सर, क्यों सर अगले सवाल पे क्यों नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? एक मेरे मन में सवाल है, ये सारे क्वेश्चन आपने करने, अरे ये इतने सारे क्वेश्चन कहां से आ गए, ये आपने ही करने भाई साहब, ये भी आपको ही करने, सिंपल सिंपल टॉपिक्स हैं, वही मैं देख रहा हूं। एक सवाल बस मैं करवाना चाहता हूं, ये सारा होमवर्क में रहेगा, एक सवाल फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा तो मैं किताब से करवा रहा हूं सीधा, दिखाओ एक बार किताब दिखाओ। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है वो होना चाहिए आपका, लेकिन मैंने स्लाइड में नहीं लगाया, या फिर कुछ बच्चों के पास किताब भी नहीं है। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं ठीक है, फिर आप करके लाएंगे, डाउट निकलेगा फिर बढ़िया रहेगा। इसमें नहीं है, मैं अगली क्लास में कराऊंगा, नहीं तो फिर सामने नहीं दिखेगा ना, दिक्कत हो जाएगा। इसमें ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 या 3 के आसपास है, आपको ना आउटपुट का यूनिट तो दे देगा, इनपुट का नहीं देगा, तो कैसे निकालेंगे ठीक है। होमवर्क पीडीएफ कब मिलेगा, कल सुबह 10 बजे मिल पाएगा होमवर्क का पीडीएफ, बाकी किताब में दे रखा है, जिन बच्चों ने फटाफट टिक मार लिया होगा वो ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा होगा WIP वाला इक्विवेलेंट मेथड, जो कि मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सेम टाइम पे।